जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल महकार संसार में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, आपके घर की सुख शांति और समृद्धि सदा ही बनी रहे और भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने से कम उम्र में ही मृत्यु का जो खतरा है वो हमारे ऊपर मंडराने लगता है। देखिए, पहले के ज़माने में ऐसे न जाने कितने लोग हुए हैं जिनकी की उम्र, जिनकी आयु 100 वर्ष के ऊपर रही है और उनको इस तरीके का जीवन जीने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्राचीन काल में जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं उनकी आयु अवश्य ही 100 वर्ष के ऊपर रही होगी। इसका एक कारण था उनका नियमित और संयमित जीवन और सही खान पान। लेकिन एक और बात थी जिस पर बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाता है और वो है उनकी जीवन शैली और पूर्ण रूप धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। तो ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो पुराने ज़माने के हैं, जो अभी भी उसी जीवन शैली को फॉलो करते हैं और धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं। इस वीडियो के ज़रिए आज मैं आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में, ऐसे कामों के विषय में बताऊंगी जो स्वयं भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताए थे। ये काम, ये कार्य कुछ ऐसे हैं जो मनुष्य की आयु को वृद्धि करते हैं। भीष्म पितामह द्वारा बताए गए ये कार्य कुछ ऐसे हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त होगा या फिर उसका जो अंत है वो जल्दी ही निश्चित है। मनुष्य को न तो अस्त होता हुआ सूर्य देखना चाहिए और ना ही उगता हुआ। लेकिन हाँ, यहाँ मैं एक बात और कहूँगी कि कभी कभी हम लोग घूमने जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं और वहाँ से सूर्य को उगता हुआ देखना या अस्त होते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सौम्य लगता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको अपनी नज़रें उठाकर, अपनी आँखें उठाकर, अपना सर उठाकर जो है वो सूरज को उगते हुए या फिर अस्त होते हुए नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान या दिन के किसी भी समय सूर्य की ओर देखना जो है वो भी आयु को छीन लेता है। भीष्म पिता का कहना था कि शरीर की स्वच्छता से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसे बालों को संवारना, आँखों में काजल लगाना, स्नान करना, मुँह हाथ धोना, ये जितने भी कार्य होते हैं जो शरीर की स्वच्छता से जुड़े हैं, इन सभी कामों को, इन सभी कार्यों को 9 बजे के पहले किया जाना चाहिए। जो लोग इसके बाद ये कार्य करते हैं वो जल्द ही काल का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग जो अपवित्र मनुष्यों या चीज़ों का स्पर्श करते हैं, ऐसे लोग जल्द ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष राजस्वला, जिसका रज प्रवाहित हो रहा हो, उन दिनों में पत्नी से शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए उसको बाध्य करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, उन्हें यमदूत अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए आपसे विनती है कि आप अपनी पत्नी को इस समय पर, महीने के उन दिनों में, उसको शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य ना करें। भोजन करने के बाद हाथ मुंह साफ न करने वाला इंसान अपवित्र ही माना जाता है। ऐसी अपवित्र अवस्था में मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गाय या ब्राह्मण को स्पर्श करने वाला व्यक्ति जो है वो काल का शिकार हो जाता है। तो आप ऐसी नौबत ना आने दें और भोजन करने के तुरंत बाद आप अपने हाथ मुंह को साफ करें। शाम के समय सोने वाला व्यक्ति, पढ़ाई करने वाला और भोजन करने वाला, रात के समय श्राद्ध या स्नान करने वाला, भोजन के बाद बाल संवारने वाला, रात के समय बिना सोचे समझे भोजन करने वाला व्यक्ति और पक्षियों के साथ जो व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है वो अवश्य ही जल्द मृत्यु का शिकार हो जाता है। तो देखिए, कुछ बच्चे होते हैं, बच्चों की बात अलग है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो ज़रूर, उनका मन होता है वो पढ़ते हैं, उनका मन होता है तो शाम को नहीं पढ़ते, तो उनको आप रहने दें। बाकी आप बड़े लोग हैं, आप समझदार हैं, आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। जिस स्थान पर आदर या सम्मान ना होता हो, जहाँ जाने का निमंत्रण आपके पास ना हो, वहाँ आपको कभी नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए कहीं जाने से आयु का नाश होता है। केवल 2 ही चीज़ों में आप बिना निमंत्रण के शामिल हो सकते हैं और उन 2 चीज़ों के लिए आपको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। वो है एक यज्ञ में शामिल होना और एक पूजा में शामिल होना। शत्रु के श्राद्ध में भोजन करने वाले व्यक्ति का जो अंत है वो जल्दी हो जाता है और जो लोग
वृद्धों का आदर नहीं करते, परिवार के बड़े लोगों का सम्मान नहीं करते, वे लोग कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते। जैसा कि मैंने कहा कि शत्रु के श्राद्ध में भोजन करने वाले व्यक्ति का जो अंत है वो जल्दी हो जाता है। देखिए, किसी का श्राद्ध है, किसी का बुरा समय है, आपको ज़रूर जाना चाहिए, उनको एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए, उनके घर वालों से अपनी भावनाएँ प्रकट करने ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन वहाँ आप भोजन ना करें। वहाँ श्राद्ध का भोजन करना जो है वो ठीक नहीं माना जाता, तो इस बात को आप ध्यान रखें। ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक ही थाली में भोजन करते हैं, आप अपने गुरु के समक्ष बहस या जिद करते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी खुशहाल जीवन नहीं मिलता। गुरु की निंदा करने से भी आयु कम होती है। जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग एक थाली में भोजन करते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप अनजान लोगों के साथ कहीं किसी पार्टी, किसी सम्मेलन में एक थाली में किसी कारणवश भोजन करते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता, वो आपको नहीं करना चाहिए, इससे आयु का नाश होता है। लेकिन वहीं अगर आप अपने परिवार वालों के साथ एक थाली में भोजन करते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है और इससे आयु में वृद्धि होती है और प्यार भी हमेशा बढ़ता है। और ये आपने सुना भी होगा, सिर पर तेल मालिश करने के बाद उस तेल को शरीर के किसी भी अन्य अंग पर नहीं लगाना चाहिए, ऐसे करने से भी आयु का नाश होता है। जब आप सिर पर तेल मालिश के लिए तेल ले रहे हों तो आप कम ही तेल लें, आप उसकी ज़्यादा मात्रा न लें। अगर आपने ले लिया है तो आप उसे प्रवाहित कर दें, आप शरीर के किसी और अंग की मालिश करने ना लग जाएं। अपवित्र अवस्था में आकाश की ओर देखना, सूर्य, चंद्रमा या फिर अन्य किसी नक्षत्र के दर्शन करने वाला व्यक्ति जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था। गर्भवती स्त्री के साथ उसकी इच्छा के बिना संभोग करने वाला व्यक्ति जो होता है वो पापी होता है, जल्द ही यमदूत उसे अपने पास ले जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको अपनी पत्नी की सहमति होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ये जानकारी इतनी ही। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से दबा दें ताकि आपके पास समय समय पर हमारी नई नई वीडियोस, नई नई जानकारियाँ पहुँचती रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्णा।